हेलो एवरीवन, आई एम बैक. हैप्पी रक्षाबंधन है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. आज मैं लेके आई हूँ 2-in-1 ट्रीटमेंट, एक अपने बालों के लिए, एक अपने स्किन के लिए. टोटली घरेलू, कुछ भी बाहर का यूज़ नहीं किया है मैंने, वैसे एक दो चीज़ों को छोड़ के. तो चलिए देखते हैं मैंने वो क्या क्या चीज़ें यूज़ की है. वीडियो को एंड तक देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए प्लीज़, और वीडियो को देखते हैं एंड तक. डे वन हम स्टार्ट करें हेयर केयर मास्क रूटीन से. तो देखते हैं हमने उसके लिए क्या क्या सामान लिया है. यहाँ पर हमने लिया हुआ है 200 ग्राम के करीब मेथी. इसको मैंने रात भर भिगाया हुआ है और ये साइज़ में थोड़ी सी डबल हो जाती है. तो आइए अब इसको पीस लेते हैं. एक फ़ाइन पेस्ट रेडी करेंगे हम इसका. इसमें अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे. वैसे मैं कोशिश करती हूँ इसे कम से कम पानी के साथ पीसूँ. देखिए मैंने इसको पीस कर रेडी कर लिया और इसमें मुझे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी है. तो एक बोल में मैं लेती हूँ ये पिसी हुई मेथी का पेस्ट. यहाँ पर मैंने 2 से 2.5 चम्मच लिया है. इतना पेस्ट लीजिए कि आपके पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई हो जाए. इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 2 बड़े चम्मच दही. साथ ही मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ रोगन बादाम ऑयल. ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाता है. मैं इसे 1 छोटा चम्मच ले रही हूँ. ये भरकर मैंने ये ऐड कर लिया. साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ विटामिन ई का एवियन 600 कैप्सूल. मैं एवियन 600 और 400 दोनों तरह के कैप्सूल अपने स्किन और हेयर केयर रूटीन में शामिल करती हूँ. ये स्किन और हेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं. यू शुड ट्राई दिस. अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ. मैं इस बीटर की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ. अगर इसमें आपको थोड़ी सी भी ड्राइनेस फील हो रही है तो आप इसमें एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं. मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल को ऐड नहीं किया है. इसे अच्छे से मिक्स करते फिरते हुए और एक 5 से 7 मिनट का रेस्ट दे दूँगी. देखिए इसी तरह से बीट करते रहिए ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं. सो ये देखिए ये मिक्सचर हो चुका है अच्छे से रेडी. अब मैं इसे अपने बालों पे अप्लाई करूँगी. कैसे अप्लाई करूँगी मैं? ये देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे मिक्सचर को. मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की वो आपने देख ली है. मैंने बहुत ज़्यादा बना लिया है ताकि मैं पूरे बालों में लगा सकूं. तो मैं ऐसा करती हूँ फटाफट से इसको अप्लाई कर लेती हूँ. हेलो, देखिए मैंने इसे अच्छे से बालों में लगा लिया है. सी दस आगे पीछे सब जगह देखिए. अब मैंने इसे लगा लिया है. अब मैं इसको रखूँगी कुछ 35 to 45 मिनट्स तक अपने बालों में. इसके बाद अपने हेयर वॉश कर लूँगी. तो मिलते हैं आफ्टर 35 to 45 मिनट्स. बाय. ये देखिए 45 मिनट्स हो चुके हैं और ये पूरी तरह से हो चुका है ड्राई. पूरी तरह से नहीं लेकिन ये ड्राई हो चुका है. काफ़ी पीछे की तरफ भी काफ़ी ड्राई हो चुका है. तो अब मैं इसको जा रही हूँ वॉश करने. तो मिलते हैं इसको वॉश करने के बाद. मिलते हैं. मैं इसे नॉर्मल वाटर से वॉश करने वाली हूँ आज. मैं शैम्पू नहीं करने वाली हूँ. तो मिलते हैं इसको वॉश करने के बाद. सो मैंने अपने हेयर को कर लिया है वॉश. ये देखिए मैंने इसे नॉर्मल वाटर से वॉश किया है और कोई शैम्पू अप्लाई नहीं किया है. और मैं अब इस पर कोई भी हल्का सा तेल जो आपके पास हो, मैं नारियल का तेल लगाने वाली हूँ इसके बाद, बालों को थोड़ा सूख जाने के बाद. और फिर 24 घंटे बाद शैम्पू करूँगी. तो इसके बाद देखते हैं कि बाल मेरे कैसे होते हैं. वैसे मुझे अभी से बहुत अच्छा फील हो रहा है. इससे बालों की लेंथ भी बढ़ती है, बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं. तो एक बार आप भी ट्राई करिएगा इसे. और अगर हो सकेगा तो कल मैं एक छोटा सा वीडियो ज़रूर डालूंगी शैम्पू के वॉश के बाद. अदरवाइज तो दिस इज़ डे 2 और हम स्किन केयर में फेशियल करने वाले हैं घर पर, वो भी घर के सामान से. तो सबसे पहले कर लेते हैं फेस को क्लीन इस आधे टमाटर की हेल्प से. इस टमाटर को मैंने इस तरह से पूरे फेस में राउंड राउंड करके चला रही हूँ. पूरे फेस में आगे पीछे फोरहेड पे सभी जगह पे हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है. किसी किसी को टमाटर से थोड़ी सी दिक्कत होती है तो वो उसकी जगह गुलाब जल को भी यूज़ कर सकते हैं. जब भी आप अपने फेस को क्लीन करें तो अपने नेक एरिया को ज़रूर क्लीन करें. अब मैंने एक कॉटन लिए और इस कॉटन से इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ. इस कॉटन को मैंने गुलाब जल से थोड़ा सा डिप किया हुआ है. इसके बाद अब हम करेंगे स्क्रब. तो स्क्रब देखिए मैंने कैसे रेडी किया है. आइए देखते हैं मैंने स्क्रब में क्या क्या सामान को यूज़ किया है. मैंने यहाँ पर लिया हुआ है आधा केला और आधा सेब, जिसे इस तरह से ग्रेट किया हुआ है. आप चाहें तो इसका मिक्सी में अच्छे से पेस्ट भी बना सकते हैं. और जो भी फ्रूट्स आपके पास है सीजनल, लाइक पपाया और कुकम्बर, आप वो भी ऐड कर सकते हैं. साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच चोकर. जो हमारे आटे से जो चोकर निकलता है वो ये स्क्रबिंग का बहुत अच्छा काम करता है. इस चोकर को मिलाने के बाद मैं इसमें मिला रही हूँ
एक चम्मच दही मैंने मिलाया हुआ है। दही भी हमारी स्किन को वाइट रखने में बहुत हेल्प करता है, साथ में ही थोड़ा सा टाइटनिंग का काम भी करता है। इसके साथ मैं इसमें मिला रही हूँ एक चम्मच शहद। शहद स्किन में वाइटनिंग, टाइटनिंग, ग्लोइंग सबके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इन सारी चीज़ों को मिलाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी वो चावल का आटा जिसे मैंने घर पर पीसा हुआ है, जो थोड़ा सा दानेदार है, जो स्क्रबिंग में मेरी हेल्प करेगा, जिसे मैं आधा चम्मच से भी कम यूज़ करने वाली हूँ। ये देखिए, मैंने ये आधा चम्मच से भी कम इसमें ये चावल का आटा डाला हुआ है और इन सबको अच्छे से मिला के 2-3 मिनट का रेस्ट देंगे। हर किसी भी चीज़ को इस तरह से मिला के अगर वो थोड़ी देर के लिए हम उसे रेस्ट करने के लिए रख देते तो वो सब चीज़ें अच्छे से मिल जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो आइए, हमारा स्क्रब रेडी है। ये देखिए, हमारा स्क्रब हो गया रेडी। अब आइए स्क्रबिंग करते हैं फेस को। ये ऐसी घरेलू चीज़ें हैं, ये ऐसा घरेलू फेशियल है मैं जो आपको बता रही हूँ, जिसे आप महीने में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। आई मीन एवरी 10 डेज़ के अंदर में आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। इवन ग्लो इतना अच्छा आता है इससे। तो मैं इस तरह हल्के हाथों से लेते हुए इसे मसाज करूँगी अपने गालों में, अपने फोरहेड एरिया में, हर जगह पे हल्के हल्के हाथों से। और ये इस स्क्रब को आप अपने होठों में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसे होठ का थोड़ा कालापन होता है, इस चीज़ के इश्यूज़ होते हैं, तो वो इसे हल्का हल्का सा रब कर सकते हैं। कि मैं इस तरह से स्क्रबिंग करते हुए, स्क्रब को एक अच्छा खासा टाइम देना चाहिए क्योंकि स्क्रबिंग ही सबसे मेन चीज़ होती है जो हमारे फेस से डर्ट को क्लीन करने में हेल्प करती है। देखिए, मैं इसे होठों में हल्के हल्के से रब कर रही हूँ। इस तरह से आप भी इसे कंटिन्यू करें। देखिए, अब मैंने मेरा स्क्रब हो गया है, मैंने फेस को क्लीन कर लिया। अब मैं करने वाली हूँ जेलिंग, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सौंदर्य का एलोवेरा जेल। ये पतंजलि का है और मैं इसे भी हल्के हल्के हाथों से पूरे फेस में मसाज करूँगी। मैं बता दूँ, जिन्हें ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे मेरी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, तो मैं जेल को थोड़ा कम यूज़ करती हूँ। जिन्हें भी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है वो भी जेल को थोड़ा कम यूज़ करें, जेल स्किन को ड्राई करता है। तो मैं जेल से मसाज करती हूँ लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। देखिए, इस तरह से मैं मसाज कर रही हूँ अच्छे से और बहुत ही हल्के हाथों से मसाज। मैंने क्रीम से मसाज ऑलरेडी पहले से स्टार्ट कर दी थी, मैंने वीडियो बाद में स्टार्ट किया उसके लिए सॉरी। मैंने यहाँ पे निविया की सॉफ्ट क्रीम ली है, निविया सॉफ्ट, और साथ में लिया है एवियन 400 कैप्सूल। इसको अच्छे से मसाज करते हैं। तो इसे मैंने सबसे थोड़ा लंबे टाइम के लिए मैंने क्रीम से मसाज की है, और क्रीम से मसाज करने के बाद मैं इसे वॉश नहीं करूँगी, मैं सीधे पैक लगा लूँगी। तो आइए मैं देखती हूँ मैंने पैक के लिए क्या क्या रेडी किया है। मैंने यहाँ पे लिया है ये चावल का आटा जिसे मैंने बाहर से मंगाया है, ये बिल्कुल फाइन पिसा हुआ है। घर वाला जो आटा है वो थोड़ा सा दानेदार था, इसलिए मैंने बाहर से ये मंगवाया है। ये बहुत ही पाउडर फॉर्म में है तो ये पैक में मुझे हेल्प करेगा अच्छी। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी ये रॉ मिल्क, कच्चा दूध। इसे धीरे धीरे करके मिलाएंगे और मैं एक चम्मच और लूँगी। चावल का आटा बहुत ही ज़्यादा वाइटनिंग देता है फेस को, और मैंने आपको बताया कि अगर आपने इसे सिर्फ डायरेक्ट एज अ पैक यूज़ करें तो इसमें एक चम्मच किसी भी तरह के फेस ऑयल की आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी वाइटमिन का कैप्सूल यूज़ कर सकते हैं। मैंने फेस में पहले से क्रीम और वाइटमिन का कैप्सूल लगाया हुआ था तो मैंने इसमें ऐसा कुछ ऐड नहीं किया है। देखिए, इसका एक फाइन पेस्ट रेडी हो गया है। अब आइए फटाफट इसे अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह का लग रहा है, और अब मैं इसे फटाफट ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छा फेस पैक है, इसे सूखने में भी बहुत कम टाइम लगता है। ये मैक्सिमम टाइम लेता है तो जस्ट 10-15 मिनट। और देखिए, मैंने इसे फटाफट अपने नेक एरिया, अपने फेस में, सब जगह पे अप्लाई कर लिया है। इसके रिज़ल्ट लिटरली बहुत ही औसम थे। तो ये देखिए, अब मेरा जो पैक है ये सूख चुका है। अब मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ और साथ ही मैं अपना करूँगी हेयर वॉश भी। तो देखिए, ये फेस भी वॉश हो चुका है और हेयर वॉश भी कर लिया है, जो मैंने मेथी वाला मास्क लगाया था। तो अब मतलब लिटरली मुझे मेरा फेस इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ग्लो कर रहा है। सबसे अच्छी चीज़ है कि मैंने घरेलू चीज़ों से फेशियल किया है, तो उससे मुझे बहुत ही पर्सनल एक बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपको कैसा लगा। तब तक के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ टू सब्सक्राइब।